अपनी शरण। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग साना। इट्स मी हिमानी बिरला और मैं पारस। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम आए हैं झंडे वाले मंदिर पे। सो आज है पहला नराधर, 26 सितंबर, और आज पहला नराधर है, तो इसलिए हम आए हैं झंडे वाले मंदिर पे माता टेकने के लिए। तो आज कौन सी माता का नराधर है पहला? ये पहला नराधर है माता शैलपुत्री का। सो आज पहला नराधर माता शैलपुत्री का है। सो अब हम चलते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे पारस है, चाचू है और मैं हूँ, और दादी हमारे साथ आई है, मम्मी आई है और चाची है। सो आओ चलो अब उनके पास चलते हैं। हाँ, और पुपनू तो है, और चलो चलते हैं उनके पास। सो हे गाइस, अब हम आए थे लाइन में, और पीछे देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पारस है, चाचू है। गाइस काफ़ी लंबी लाइन हैगी, सो देखते हैं कब नंबर आएगा। अभी तो फिलहाल लाइन में लगे हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं लाइन के बाहर, और हमें रोड पे, यहाँ पे रोड साइड एक कॉर्नर है, वहाँ से हम कुछ खाएंगे, बिकॉज हमने सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट किया था और ना ही हमने लंच किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अब यहाँ से हम कुछ खाएंगे, यहाँ से हम खा रहे हैं वैसे टिक्की। सो चलो अब देखते हैं कि टिक्की यहाँ की कैसी होगी, और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो टिक्की कैसी लगी। तो चलो अब टिक्की खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सो गाइस, पारस की तो आ चुकी है, और पारस यहाँ पे खा रहा है, और मेरी बनने वाली है वो, जिसमें मिर्ची नहीं होगी, बिकॉज अगर आपको पता है मुझे स्पाइसेस बिल्कुल पसंद नहीं है ये, सो इसलिए मैं स्पाइसी खाना खा ही नहीं सकती बिल्कुल भी। सो अब मेरे लिए बन रहा है सिर्फ रेड सॉस वाला, और वो वाली टिक्की मैं खाऊंगी, यही वाली पारस खा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे आ चुकी है मेरी टिक्की, और ये है मेरी, और पारस की जगह खत्म होने वाली है। सो अब मैं खाऊंगी, और फिर अब मिलते हैं लाइन में जाने के बाद। सो गाइस, हमने ऑलमोस्ट जो है वो लाइन जो है वो कवर कर दी थी, और फिर मम्मी और जो दादी है वो वॉशरूम चले गए, और हम खाने चले गए। बच्ची चाची अकेले के मारे निकल के आ गई लाइन से बाहर, और फिर जो है हमारी लाइन टूट गई, और फिर जब हम दोबारा गए तो हमें किसी ने अंदर जाने नहीं दिया, और फिर हम दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अब लाइन जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, अब दोबारा से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सब फिर यहाँ ही खड़े हो गए, पहले तो इससे आगे खड़े थे, अब इससे ज़्यादा पीछे खड़े हो गए हम। पहले हम आगे उस वाले पॉइंट पे खड़े थे, वो आगे वाला पॉइंट है उस पर खड़े थे, और अब तो बहुत ही ज़्यादा लाइन लंबी हो गई, तो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे आगे खड़े। बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है, यहाँ पे बस दर्शन होने ही वाले हैं, और काफ़ी मेहनतों के बाद हमने जो है लाइन जो है वो क्रॉस कर लिया है, बस अब एंड पॉइंट में है, और बस वो ख़त्म होते ही दर्शन हो जाएंगे। और जोर से बोलो जय माता दी। एक ही लेना है ना दादी? एक ही लो ना आपसे। मेहंदी की स्टॉल है, सो देखते हैं यहाँ से अगर हम मेहंदी लगवाएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट मेरे से तो हम मेहंदी यहाँ से लगवा ही देंगे, और सो जब लगवाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस थोड़ी सी लाइन रह चुकी है, फिर उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे दर्शन, और यहाँ पे बाकी सब खड़े हैं। ये देखो पुपनू को लगवाएंगे मेहंदी लगानी है मेहंदी लगानी है
दादी भाजी करने वाले हैं दर्शन। सो यहाँ पे हमें वीडियो बनाने के लिए फिर से मना करने लग गए हैं और अब देखते हैं वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जय माता दी। सो गाइस देखो जस्ट बिहाइंड मेरे है झंडे वाला मंदिर और बस अब थोड़ी देर में ही दर्शन जो है वो होने वाले हैं और अब लाइन जो है वो बस थोड़ी सी ही रह गई है, बिल्कुल बस बहुत ज़्यादा थोड़ी सी, जहाँ इतनी लंबी और बड़ी लाइन को हम क्रॉस करके आए बस उसके लिए थोड़ी सी लाइन रह चुकी है। सब उसके बाद अब हम करेंगे दर्शन। तो गाइस अब हमारा नंबर जो है वो बस अब हमारे दर्शन जो है वो होने वाले हैं, जल्दी आ। सो गाइस जस्ट अब नंबर जो है वो बिल्कुल आ चुका है, देख सकते हम कितने पास खड़ेंगे। गाइज अब हम करने वाले हैं बहुत चीज़ जिसका मुझे पर्सनली बहुत टाइम से, मतलब जैसे मुझे पता चला था कि यहाँ पे ये हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा वेट था, तो हम मैं लगवाने वाली हूँ अब मेहंदी। सो मैं लगवाऊँगी अपने मे भी एक हाथ में मेहंदी लगवाऊँगी। सो चलो अब चलते हैं मेहंदी लगवाते हैं, आई एम सो एक्साइटेड। सो गाइज देखो यहाँ पे हमें प्रसाद के उस पर ये मिला है, आई डोंट नो इस पैकेट में क्या है, तो हमें मिले हैं ये, तो हम सब ने मिल के दादी को और चाचू को दे रखे हैंगे ये। पैकेट में निकले हैं ये राइस, ये सोयाबीन वाले चावल हैं और मेरे जो है वो मेहंदी नहीं लगी बिकॉज बंद हो गया था, वो बोल रहे टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था तो मुझे मेहंदी नहीं लगी, आई एम सो सैड। तो गाइस यहाँ से हमने ये है, ये फिंगर्स और रस है और एक चाय है, जस्ट वी आर रीच आर होम एंड आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आपको आप अपने ब्लॉग के थ्रू डिजिटल माता जी के दर्शन कराए, अगर वीडियो प्लस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप तक ले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।